अब देखो, तुम्हें इस तरह के एक इंस्टाग्राम पोस्ट और उसका स्क्रीनशॉट हर जगह देखने को मिल रहा होगा। अगर तुम किसी भी डिस्कॉर्ड सर्वर या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हो जहाँ पे फ्री फायर का टूर्नामेंट्स और स्क्रीम्स होता है, ये चीज एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि स्क्रीनशॉट के अंदर की एक आर्टिकल आया इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर की जो कह रहा है कि गैरेना फ्री फायर वालों ने ये क्लेम किया है कि वो लोग नवी मुंबई के अंदर जो कि ऑफकोर्स महाराष्ट्र में वहाँ पे अपना एक रियल लाइफ डेटा सेंटर सेटअप करने वाले हैं। एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, वो सारी चीजें वहाँ पे बताई गई है। और इकोनॉमिक टाइम्स वाले ने सच में ऐसा कुछ आर्टिकल पब्लिश किया है कि नहीं, ये चीजें तुम भी सोच रहे हो क्या सच में गैरेना वालों ने ऐसा कहा है कि हाँ भाई हम जल्दी फ्री फायर इंडिया लॉन्च करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर चेकआउट करने वाले हैं प्रूफ के साथ, इवन एक एक आर्टिकल के लिंक्स भी दूंगा। तो इस सारी चीजें वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो एक भी पार्ट मिस मत करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ अगर वो भी तुम्हारी स्पोर्ट्स है, क्योंकि यार बहुत लोग इसका इंतजार रहता है। तो बट उससे पहले बता दूं, हमारा प्यारा लॉयल्टी स्कीम जो कि फ्री होता है, तो मैं वहां पे वीकली 100+ मैचेस डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। वहां पे टायर 3 होते हैं, टायर 2 स्कीम्स भी होते हैं, तो वो चीज तुम डिस्कॉर्ड का लिंक दे दिया मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहां से ज्वाइन कर लेना। तो मैं वीडियो को पहले स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तुम गूगल पे सर्च करूंगा कि यार इकोनॉमिक टाइम्स फ्री फायर कोई सच में आर्टिकल है कि नहीं, बट 11 घंटे पहले सच में एक आर्टिकल आया है गाइस सेम टाइटल की तरफ, मतलब कि स्क्रीनशॉट तो मेरे को जेन्युइन है यार, यही से तुम्हें पता चल जाता है। अभी देखो पहले डाउनलोड कर लेते फिर पढ़ते हैं एक्चुअली में यहां पे लिखा क्या है। तो तुम देखो सेम टू सेम आर्टिकल है जैसा स्क्रीनशॉट में आया था, एंड अभी तुम देखो यहां पे साफ साफ लिखा है कि वाटर डेटा सर्विसेज सेंटर में जो भी नवी मुंबई में वहां पे इन्होंने बात करी है कि हेडक्वार्टर बनाया जाएगा इंडिया के लिए फ्री फायर इंडिया का, ताकि फर्दर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह करवा सके, वहां पर कोई दिक्कत ना हो। अभी देखो तुम ऐसे जो पॉज करके पढ़ भी सकते हो यहां पे, और ये तो कंफर्म करा है उन्होंने, एक इन्होंने मेल करा था ठीक है फ्री फायर वालों को, उन्होंने कंफर्म करा है कि हाँ उन्हें एक सेटअप तो करना है, इनके साथ डील भी उनकी हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर सच में कंपनी देखूं सर्च करके, तो एक्चुअली में ये कंपनी भी है नवी मुंबई के अंदर, ये कंपनी है योटा डेटा सेंटर नाम के, जो कि तुम्हें देखने को मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं सर फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें पढ़ लो क्या कंपनी है, कैसे चीजें हो सकती है वहाँ पे, तुम उम्मीद लगा सकते हो यार ये तो जेन्युइन है। बट मैं आगे फिर सर्च करता हूँ गैरेना के साथ में कोई डील हुआ है क्या, तो फिर वहाँ पे एक और आर्टिकल आया था 3 घंटे पहले की, जो कि Inc42 पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, बट इन्होंने भी वही सेम चीज बताया। आई गेस इनके सोर्स वही इकोनॉमिक टाइम्स वाले, अब इकोनॉमिक टाइम्स वाले का सोर्स है उनका ईमेल और एक ऐसा बंदा जो कि कंपनी से शायद लिंक्ड है, तो उनसे उनकी बात हुई है, जो चीज तुम वहां पे क्लियरली आर्टिकल में पढ़ पाओगे। तो ठीक है, अभी तक तो मैं तुम ये समझ गए होगे कि यार एक्चुअली में ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन था और फ्री फायर वालों ने सच में ऐसा कहा हुआ है। ओके, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स वाले कह रहे हैं, अभी तक तो यार ये चीज वेरीफाई कर लो कि हाँ स्क्रीनशॉट सही था, आर्टिकल सच में ऐसा आया है और गैरेना फ्री फायर वालों ने कहा है इस कंपनी के साथ योटा डेटा सर्विसेज डेटा सेंटर को बनाया जाएगा उसको। और देखो ये भी चीज है भाई, वो कंपनी सच में एग्जिस्ट कर रही, तुम देख लो। और अभी तुम इससे ये समझ के, अभी क्या हमें वापस से ग्राइंड करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वापस से मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या है वापस से स्क्रीम्स एंड टूर्नामेंट्स पे आ जाना चाहिए, क्या गैरेना फ्री फायर इंडिया सच में आ रहा है, FFIC24 होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है गाइस। मैं बता रहा हूं FFIC24 होने के चांसेस 80% है, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा यार, और भी कुछ यूट्यूबर्स थे जो कि कुछ दिनों पहले ही कहा है कि भाई एक्चुअली में गेम इसी साल आएगा और FFIC 2024 भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम वो बात को कंसीडर करो तो एक्चुअली में तुम्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ग्राइंड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब तुम्हारा सवाल है कि भाई ग्राइंड कहाँ करें, तो देखो मैंने डिस्कॉर्ड लिंक पिन किया है ठीक है, सर्वर का लिंक, वहां तुम ज्वाइन कर लो। एंड अगर तुम्हें पता नहीं डिस्कॉर्ड वगैरह कैसे यूज करते हो, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के रखी है हाउ टू रजिस्टर इन T3 स्क्रीम्स, उसे तुम देख लेना, यहाँ से मैं लिंक दे दूंगा। अब देखो डिस्कॉर्ड पे मैं क्या करता हूँ कि पूरी वीकली लॉयल्टी फ्री प्रैक्टिस स्क्रीम्स कराता हूँ, मतलब फ्री प्रैक्टिस मैचेस करवाता हूँ। वहां से जो टॉप 1 टीम्स रहती है वो जाती है संडे शोडाउन को, संडे शोडाउन से टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई करती है मंथली क्वालिफायर्स के लिए, जहां पे टॉप 2 टीम्स मंथली में जो बेस्ट रहती है उनको मिलता है टायर 2 का सर्टिफिकेट, मतलब कि T3 से टायर 2 बनने का बेस्ट चांस तुम्हें देखने को मिलेगा। और भाई वो चीज तुम्हें लॉबी की क्वालिटी वगैरह एंड सारी मैनेजमेंट सब कुछ परफेक्ट है, तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ग्राइंड करने के लिए बेस्ट जगह होने वाला है, वो याद से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो सारे आर्टिकल्स के लिंक्स भी दे दूंगा, एंड ऑल टुगेदर बात करते हैं ग्राइंड करना स्टार्ट कर दो, फ्री फायर इंडिया आने वाला है। एंड देखो जो लोग छोड़ के जा चुके हैं ना उनके लिए दिक्कत हुई कमबैक करने, बट अगर तुम जब बैन पीरियड में भी तुम मेहनत कर रहे हो तो जब वापस गेम आएगा तो यार देखो मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, ये चीज तुम लिख के ले लो भाई। एक ही चीज तो है यार जो यूनिवर्सल है भाई, हार्डवर्क करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा, तो वो चीज सोच के तुम मेहनत करना शुरू कर दो, मैं यही कहूंगा अगर नहीं कर रहे थे दोनों से तो। बिल्कुल, फिर वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं वीडियो में। और आप चाहो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां मुझे टैग कर दो, लीडर नाम से होगा, तो मैं तुम्हें सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो बाय गाइस।